फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलीहाइड्रोमिनोस जब आपके बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज्यादा होता है तो वो किन किन कारणों से हो सकता है, तो उसमें क्या क्या किया जा सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलीहाइड्रोमिनोस ये कंडीशन है जो प्रेगनेंसी में हो सकती है जब आपके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है, बच्चे के चारों तरफ जो पानी पाया जाता है वो ज्यादा पाया जाता है। अब आपके डॉक्टर ने अगर आपको बोल दिया है कि आपका अल्ट्रासाउंड में पॉलीहाइड्रोमिनोस आया है, मतलब पानी ज्यादा आया है, तो वो किन किन कारणों से हो सकता है। मुझे क्योंकि एक कमेंट रिसीव हुआ था तो मुझे लगा कि मैं आपकी क्वेरी डेफिनेटली एक वीडियो में बताऊं जिससे औरों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो जो प्रमुख कारण है पॉलीहाइड्रोमिनोस का, सबसे प्रमुख कारण ये हो सकता है कि बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो सकता है बच्चे के अंदर, बच्चे के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसकी वजह से जो है बच्चा, जो पानी है जो बच्चे का बेसिकली, वो उसके चारों तरफ ज्यादा हो सकता है। ये एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो माँ है, माँ के साथ प्रॉब्लम है। माँ के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज है, माँ का शुगर लेवल बहुत हाई है, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी ज्यादा हो सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी जो हो सकती है कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई बच्चे को प्रॉब्लम है, ना ही कोई माँ को प्रॉब्लम है, और ये इडियोपैथिक है, इसमें मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे ही जो पानी का लेवल है वो थोड़ा ज्यादा है। और उसके अलावा एक और कंडीशन है जो हो सकती है, जिसको बोलते हैं ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, जिसमें जो आपकी बच्चे की सांस लेने वाली नली होती है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, और उसके बगल में जो बच्चे की खाने वाली नली होती है, फूड पाइप जो होता है उसका इसोफेगस, उन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। कनेक्शन मतलब उन दोनों के बीच में एक जुड़ाव होता है, एक छेद सा होता है और आपस में पैसेज बना हुआ होता है वो दोनों नलियों के बीच में, क्योंकि वो दोनों नलियां वैसे जनरली नॉर्मली जो है वो सेपरेट होती हैं, ऐसे होती हैं, बट उनके बीच में एक, आप ये मान लीजिए कि एक सुरंग जैसी होती है, एक कनेक्शन होता है उन दोनों के बीच में, एक छोटा सा छेद होता है। अब ये चार कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आपको डॉक्टर ने पॉलीहाइड्रोमिनोस बोल दिया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैक्सिमम केसेस में, इवन 80-90% केसेस में, जो पॉलीहाइड्रोमिनोस है वो इडियोपैथिक होता है, मतलब कि सब कुछ नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है, बस ऐसे ही पानी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसलिए ये कंडीशन बोलने पे हमेशा मत घबराइए। डॉक्टर्स आपको हमेशा बताएंगे कि हाँ इस वजह से होता है, इस वजह से होता है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर उनका फर्ज है ये बताना कि हो सकता है बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी हो, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो, ये या फिर जो कनेक्शन है फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में वो हो सकता है, तो ये सब डॉक्टर्स आपको डेफिनेटली बताएंगे। बट आप बहुत पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यही पाया जाता है। बहुत कम केसेस हैं जिसके अंदर ये सब चीज़ों, दूसरी चीज़ों की वजह से पॉलीहाइड्रोमिनोस होता है। और उसमें क्या हो सकता है कि अगर कोई बच्चे के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए फीटल इको वगैरह किए जाते हैं, बच्चे के हार्ट के बेसिकली टेस्ट वगैरह किए जाते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर ही होता है, तो स्पेशलाइज अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं जिनसे पता चलता है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है। नेक्स्ट जो चीज़ की जा सकती है वो माँ की ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि मदर की जो डायबिटीज है वो नहीं आ रही है, मतलब शुगर बढ़ी हुई तो नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग अगर वो बढ़ी होती है तो दवाइयाँ देके उसको टैकल किया जाता है। अगर ये फिस्टुला जो है, मतलब आपके बच्चे के जो फूड पाइप और उसके विंड पाइप के बीच में अगर कनेक्शन होता है, तो इसको जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है उस टाइम पे टैकल नहीं किया जा सकता। ये डिटेक्ट तब होगा जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, तब डिटेक्ट होता है, एक छोटी सी माइनर सर्जरी होती है और वो ठीक हो जाता है। तो और मैक्सिमम टाइम मैंने आपको बताया जैसे कि ये इडियोपैथिक होता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, बस ऐसे ही पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो सकता है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि आपको पॉलीहाइड्रोमिनोस की प्रॉब्लम है, तो आप घबराइए मत, उसके पीछे का टेस्ट कराइए अपने डॉक्टर से, जो जो टेस्ट आपके डॉक्टर्स लिख के देते हैं, क्योंकि चीज़ों को रूल आउट करना ज़रूरी है कि कहीं बच्चे के हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है या मदर को डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, इसको रूल आउट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसे रूल आउट कीजिए, बट स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि
हो सकता है कि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और सब कुछ परफेक्टली फाइन हो। हाँ, अगर आपके डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि आपको पॉलीहाइड्रोमिनोस है तो कुछ चीज़ें आप कर सकती हैं डेफिनेटली, जैसे कि जो मीठे तासीर वाली चीज़ें होती हैं उन्हें मत खाइए, जैसे आलू छोड़ दीजिए और अपना राइस ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल राइस वगैरह मत खाइए। जब आप इन चीज़ों का परहेज करेंगी तो आप खुद देखेंगे कि विद इन 15 डेज ही जो पानी का लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो किसी भी रीज़न की वजह से नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है बट ऐसे ही बढ़ा हुआ है, तो खान पान में चेंज करने से वो ठीक हो जाता है। सो आई होप ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको बता दिया है किस किस वजह से ये हो सकता है और उसमें क्या किया जा सकता है। अगर कोई फिर भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।